नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का विलेज कुकिंग चैनल में। सुबह के 7 बज गए हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है। भैया देखिए, अपने खेत में आए, पहले देखिए आलू की आज बुवाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले ननुआ लगाया था, तो उसका गावा काफ़ी अच्छे से फैला हुआ था, लेकिन अब फर नहीं रहा था, उसका सीजन जो भी ख़त्म हो गया था, तो गावा हटा दिया है और घास उस भी देखिए छिलके हटा दिया है। ऐसे गुड़ाई करके लाल आलू और सफ़ेद आलू दोनों बो देते हैं। इसको देखिए मिट्टी एकदम भुरभुरा है, कल हमने शाम को गीला भी कर दिया था, पानी से छिड़काव कर दिया था। यहीं पर देखिए आलू बो देते हैं। अब मैं गोड़ते गोड़ते थक गई, देखिए ये भी गोड़े हैं, जल्दी हो जाएगा, ऐसे गुड़ाई कर देंगे। तो अभी जा रहे हैं आलू ले आने, लाल थोड़ा सा ये सफ़ेद आलू थोड़ा है, तो मिला के बो देंगे ना। हाँ, लाल वाला देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर खाने में सफ़ेद वाला ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल लाल आलू बोआया है, लेकिन बचा हुआ था तो सोच रहे कि वो भी जगह खाली है तो यहीं पर बो दिया जाए। जब आलू बोते हैं ना तो जब खनते तो बहुत ज़्यादा निकलता है, और खनने में मज़ा ही बहुत आता है जब वो आलू निकलता है ना। हाँ, लाल सफ़ेद बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फिलहाल आलू की बुवाई करेंगे, फिर चलेंगे खेत से ताज़ा सब्जी तोड़ेंगे, तो फिर खाना ही बनाना है अभी, तो पहले आलू बो के तब चलेंगे, काम करेंगे आज। अब देखिए इन्होंने जो कि पूरा खन दिया, अब इसका देखिए मिट्टी फोड़ दे रहे हैं, खनने के बाद देखिए आलू बोएंगे तुरंत। यहाँ पे देखिए मिट्टी को हल्का हल्का फोड़ दिया गया है, और इसी में देखिए अब हम खाद छिड़क देंगे। जैसे आलू में अंदर दीमक उमक लगते हैं या चाल देता है तो वो नहीं लगेगा, देखिए इसके लिए खाद ना है। अब यहाँ पे देखिए इसको छिड़क दे रहे हैं सब जगह, ज़्यादा नहीं हल्के मात्रा में दे रहे हैं। अब देखिए खाद को हमने डाल दिया है, अच्छे से जब मिट्टी और फोड़ेंगे भूरा करेंगे ना, तो अच्छे से खाद जो कि मिल जाएगा मिट्टी में। अब बस इससे ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा ही मात्रा में देना है। खेत जो कि हमने बना दिया है, देखिए खाद छिड़क कर और मिट्टी को भूरा कर दिया, अब चलेंगे तो बुआई करेंगे। देखिए जो आलू ना, ये देखिए इसमें आँखों निकलने लगे हैं। अब देखिए आलू बोने का सीजन जो कि अच्छे से आ गया है, ये देखिए कितने बड़े, देखिए इसमें हरे पत्ते जैसे लगा निकल रहे हैं, ये सब इसको आँखू बोलते हैं, आँख निकल आया है इनका। देखिए इसको इस तरीके से काटेंगे, इसका आँखू ना कटे, देखिए इस तरीके से जो बड़े आलू देखिए दो भाग तीन भाग काट दे रहे हैं, तो इस तरीके से काट ले रहे हैं। देखिए इसमें लाल और सफ़ेद दोनों आलू है, इस तरीके से कई भागों में काट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े आलू थे उनके हम दो भाग कर लिए, दो तीन भाग, और बाकी देखिए जो छोटे हैं ये लाल वाले, इसको इसी तरीके से बोएंगे। तो अब देखिए एक एक करके आलू रखेंगे। यहाँ पे देखिए हल्का सा जो कि क्यारी बना दिया गया, इसी क्यारी में देखिए हम जो आलू काटे हैं उसी को रखेंगे, इस तरीके से रखना है। आलू में हमने राख नहीं लगाया, देखिए डायरेक्ट तुरंत काटा, तुरंत देखिए इस तरीके से लगाते रहे, बहुत लोग राख भी लगाते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। इतना देखिए सुंदर लगा है क्यारी में, हमने सारे आलू को देखिए काट के इसी तरीके से रख दिया है, और कुछ साबुत भी रखे हैं, लेकिन जब आलू बॉयल होता है ना देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी देखिए मिट्टी चढ़ाएंगे इसके ऊपर, आलू के ऊपर, तो बस जितना जगह था देखिए इतना ही खाली था, कल हम लोगों ने जगह खाली किया था, आलू बोआ गया। अब बस अब आलू नहीं बोएंगे, अब प्याज की बारी आ गई है, तो प्याज लगाएंगे। अब कितना बढ़िया तरीके से देखिए मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो लाइन से इसी तरीके देखिए आलू बोआता है और मिट्टी चढ़ाया जाता है। आलू का बुवाई जो कि पहली बार हम लोग कर रहे हैं, और देखते हैं कि आलू कितना पड़ता है, कितना जब खनेंगे तब, और धीरे भी हम लोग खेती करना सीख ही रहे हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से जो कि ये दो मेड़ी अच्छे से बन गया है, और दो तीन मेड़ी और है, बहुत छोटा छोटा क्यारी बना हुआ है, तो जितना जगह था उसी के हिसाब से देखिए हमने आलू जो कि बोया है। और एक जगह हमने और भी आलू लगाया है उधर दूसरी तरफ, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमने आलू जो कि लगाया है, सब लाल वाला ही बोया गया है, इसमें तो मिक्स कर दिया है हमने, आलू लाल वाले भी हैं सफ़ेद वाले दोनों मिक्स हैं। इधर देखिए हमने लाल आलू बोया है, और ये 4-5 दिन इसको बोए हो गया है, और अब चलेंगे खेत में ताज़ी सब्जी तोड़ने। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो हमारे खेत में जो कि बोरा लगाया गया है और काफ़ी फरा भी है, तो उसी की रसेदार सब्जी बनाएंगे। अब बोड़े खेत में आ गए, बोरा तोड़ लेते हैं, इसी की रसेदार सब्जी बनाएंगे बोड़े की, और चावल बनाएंगे जो खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। और आज बहुत बड़ा काम हुआ है, आलू सुबह सुबह बोआ गया, बड़ा अच्छा लगा। जो काम सुबह नहीं हो पाता वो मेरा काम रह ही जाता है। देखिए खेत से बोरा तोड़ लेते हैं, इसके फूल सुबह सुबह खिलते हैं और धूप लगती है देखिए मुरझा जाते हैं, फिर देख के देखिए तोड़ लेते हैं। एक आग दोबर का देखिए टूटा भी है, अभी देखिए कितना सारा देखिए इसमें बतिया लिया है, सभी भी देखिए छोटे बोड़े हैं, और ये सब देखिए तोड़ने लायक हो गए हैं बड़े बड़े, तो जो बड़े बड़े बोड़े हैं उसी को देख के तोड़ेंगे। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए काफ़ी देखिए ज़्यादा बोरा निकल जाएगा, अगर हम लोग नहीं तोड़ते तो रात में चोर भी आते हैं हमारे यहाँ खेतों में, और सब्जी को जो कि चुरा भी ले जाते हैं, इसीलिए बहुत टाइम से बोरा जो कि नहीं टूटा इसलिए तोड़ के रख लेते हैं।
बाकी सब्जी बना लेंगे, बाकी फ्रिज में रख देंगे तो कल बना लेंगे। इस समय जो कि मंडी में हमारे यहाँ बोरा 80 रुपये किलो है, बहुत महंगा बोरा मिल रहा है। और हमने ये बोरे का बीज कम से कम सितंबर की अक्टूबर में लगाया था और बहुत जल्दी देखिए फरने लगा है। और मुझे तो लगता है कि जो चोर सब्जी तोड़ने आते होंगे वो लगता है बोरे खरीद नहीं पाते होंगे, इसीलिए खेतों में चोरी करते हैं। तो इसको देखिए तोड़ लेते हैं देख देख के, और एक लाइन से पहले बोरा तोड़ते, देखिए उधर भी खूब सारा फरा है। अभी हमें आज बोरे खेत में पानी भी भरना है पाइप लगाकर, तो बोरा तोड़ने का फिर खेत में पानी भी लगा देते हैं। ये देखिए क्यारी में, अब देखिए इस तरीके से हल हल के बोरा तोड़ के काफ़ी बड़े बड़े बोरा देखिए हो गए हैं बीच बीच में। देखिए ये भी तोड़ने लायक हो गया है, तोड़ेंगे तभी देखिए इसमें फूल बत्तियाँ खूब सारा लिया है इस समय, और खूब फरेगा देखिए सब सभी। देखिए अभी 2-3 दिन में तैयार हो जाएंगे, अभी काफ़ी छोटे हैं बोरे, और तोड़ लेते हैं। ये हमारा देसी बोरा है, एक हाइब्रिड वाला बोरा आता है वो नहीं है, देसी देखिए एकदम बढ़िया बोरा है। हमने देखिए एक लाइन से इतना ज़्यादा बोरा तोड़ लिया, कम से कम एक किलो के लगभग होगा, ज़्यादा ही होगा। और इधर देखिए बोरे खेत में पानी भरना है तो पाइप भी लगा दिया है, क्योंकि हमने बोरा एक लाइन से सब तोड़ लिया, बोरा तोड़ेंगे नहीं तो पानी भर देते खेत में। उधर का देखिए बोरा हाँ सूख रहा, पीले पीले पत्ते हो गए, इधर का देखिए काफ़ी हरा भरा है, इधर का भी सूख रहा था तो हमने पानी भर दिया था, देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हरे हरे। बोरे खेत में देखिए हमने अच्छे से पानी जो कि हर क्यारी में भर दिया है, अब देखिए बोरे को लेकर चलते हैं और पाइप लगा दिया। देखिए गोभी खेत हमारा भरा रहा है, उधर पाइप देखिए हमने गोभी खेत में लगा दिया है, और अब देखिए गोभी खेत भरा रहा है। और चलते हैं अब सुबह खाना बना लेते हैं जल्दी से अपने चूल्हे के पास। देखिए आगे एकदम खेत का ताज़ा बोरा है, इसी का रसेदार सब्जी बनाएंगे, इसमें कुछ मसाले पीस के डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी देखिए इसका जो कि नोक दोनों तरफ का हटा देते हैं, इसका देखिए नोक हटा दे, जो पक गए हैं बोरे देखिए इसका बीज हम इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए सब थोड़ा सा पक गए हैं, देखिए इसी तरीके से बोरे का बीज होता है जो हम लोग लगाते हैं। तो सारे बोरे को देखिए इस तरीके छाट के पहले रख लेते हैं, फिर धुलेंगे उसके बाद काटेंगे। चूल्हे में ईंधन को जला दिए, सबसे पहले देखिए चावल हम धुल दिए हैं, इसको डाल दे रहे पकता रहे, और सब्जी तरफ छौकेंगे अभी, तो दोनों चूल्हे पर जल्दी खाना बन जाएगा, चावल और हमें सब्जी ही बनाना है बस। इधर देखिए बोरे को हमने धो लिया साफ पानी से, तो बोरे को काट ले रहे हैं, और टमाटर और आलू भी धुला है उसको भी डालेंगे इसी में। खेत का देखिए ताज़ा बोरा कितना बढ़िया लग रहा है, इसको बीज को देखिए सुखवा के रख दिया जाता है, फिर भिगो के इसकी भी सब्जी बनाई जाती है, बीज की भी बहुत बढ़िया बनता है। ये मुंबई मिलता है इसके बीज जो है बोरे के। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल आधा कलछुल डाल दिया, इसी में तड़का लगाएंगे, तो जब भी बोरा का सब्जी बनाते हैं हम तो पचफोरन का तड़का लगाते, इससे देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसको डाल दे रहे आधा चम्मच। अब इसमें डालें कटा हुआ प्याज, प्याज को लाल कर ले रहे हैं, प्याज हमारा देखिए लाल हो गया, इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू और बोरा। आलू को देखिए हमने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में और मोटे में थोड़ा काटा है, और देखिए यहाँ पे बोरे का बीज भी लिया है और बोरा सहित जो हमने काटा है उसको डाल देंगे, आलू और बोरे दोनों को किसा डाल देते हैं। उसके पहले खूब भुनाई करेंगे, फिर पहले खूब भून लेते हैं। जब तक हमारा आलू बोरा देखिए भुना रहा है, इधर हम मसाले पीस लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये साबुत धनिया, इसको हमने आधा घंटा देखिए भिगो दिया था, इसे जल्दी पीसा जाता है, मसाला तैयार भी होता है। अब इसी को डाल के इसमें पीसेंगे, तो इसमें हमने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च लिया है, इसे जब पीस के इस मसाले में पड़ता है ना तो बहुत अच्छा बोरे का टेस्ट आता है। अब इसको देखिए एकदम बारीक पीस लेते हैं, मसाले को देखिए हमने पीस लिया, इसको कटोरी में उठा ले रहे हैं। आलू और देखिए बोरा हमारा जो कि भुना गया है, और अब इसमें डालते हैं जो पीसे मसाले थे, कुछ मसाले और मिला देते हैं इसमें। जैसे देखिए आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर इसमें, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च हमने इसे पीसा है, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब इसको देखिए सारे मसाले भी जो कि हम डाल देते हैं कढ़ाई में, इसमें डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार, इसको मिक्स कर लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा पानी और डालते हैं किसी तरीके से, जो मसाला डाले हैं ना जाए और जले भी ना मसाला, ज़्यादा कभी देखिए पानी डाल के मसाले उस तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे दो हमने लाल पके हुए टमाटर काटे, इसको भी डाल दे रहे हैं, और मसाले को अच्छे तरीके से देखिए भून लेते हैं। हम मसाले को और टमाटर को अच्छे तरीके से पका लेते हैं, थाली ढक देते हैं,
थाली हटाते हैं और मसाले को पकाए कम से कम 5 से 10 मिनट हो गया है। ये देखिए अच्छी तरीके से मसाला भुना गया, टमाटर भी गल गया है। अगर आप सूखी सब्जी चटपटी खाना चाहते हैं मसालों से, तो देखिए इसी स्टेज पे सब्जी को उतार लीजिए पकाकर। और रसेदार चाहते हैं तो देखिए इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि चालघट खाना है, हम रसेदार सब्जी बना रहे हैं। इसमें देखिए पानी डालते हैं ग्रेवी के अनुसार। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और सब्जी को देखिए पका लेंगे ढककर। इसको ढककर देखिए पका लेते हैं। तो हमने बोड़े के सब्जी को भी ढककर अच्छे तरीके से पका लिया और चावल ही हमारा हो गया। सुबह देखिए हमने हलवा बनाया था और बच्चों के लिए पराठा बनाया था। तो खेतों में काम करके जब आते हैं, देखिए इस तरीके जब खाना मिल जाता है ना, ताज़ा खेतों का ताज़ा सब्जी चावल, तो बहुत मज़ा आता है खाने में और सारा थकान भी जो कि दूर हो जाता है। तो देखिए हमारा जो चावल है ये अच्छे तरीके से पक गया है, उसको निकालेंगे थाली में। कितना बढ़िया देखिए चावल बना है, एकदम गरम गरम। अब इसमें निकालेंगे सब्जी। देखिए बोले तो सब्जी रसेदार कितना बढ़िया देखिए पक्कर रेडी हो गया है। इसको निकालते हैं और चलते हैं गरम गरम और खाना खाते हैं। ये देखिए रसेदार जो कि बोड़े की सब्जी बहुत बढ़िया लगता है खाने में। दोस्तों इस तरीके से देखिए देसी खाना गाँव का कितना अच्छा लगता है खाने में। और हमने इस बार जो कि आलू का बुआई भी कर लिया है और हमारा जो कि आलू का जो बुआई था वो पूरा अच्छी तरीके से हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलेंगे, धन्यवाद।